देखिए सर, सबसे पहले मैं आपको जेम के बारे में एक इंट्रोडक्शन दूंगा। यहाँ पे मैं आपको, जो लोग भी, बहुत सारे लोग यहाँ पे अलग अलग फील्ड से आए हुए होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे पास जो लोग को जेम के बारे में बेसिक नॉलेज है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जेम के बारे में थोड़ा नॉलेज है, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको जेम के बारे में कुछ भी पता ही नहीं, और कुछ लोगों को जेम के बारे में बहुत कुछ पता है, सिर्फ थोड़ा सीखने के लिए यहाँ पे। तो ऐसे भी सभी लोग यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज के हमारे पास आए हुए। तो मैं इसलिए यहाँ पे जब भी कोई भी यहाँ पे लेक्चर जो भी लेता हूँ, मैं एज ए आपको ऐसा ट्रीट करूंगा यहाँ पे कि आपको जेम के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आप जेम आज तक आपने सुना तक नहीं, जेम क्या है इसके बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं है, और हम वहां से एकदम स्क्रैच से लेके चालू करेंगे लेक्चर, और फिर धीरे धीरे हम आपको जेम में सब कुछ बताऊंगा जो भी जेम में प्रोसीजर है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जेम के बारे में बताऊंगा, फिर अपने भगत टेक्नो के बारे में बताऊंगा, हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा, और फिर हम आपको जेम के सिलेबस में क्या क्या कवर करूंगा ये सभी चीजें पहले बताऊंगा। फिर आपके क्वेरी का छोटा सेक्शन होगा जिसमें आप हमें कुछ क्वेरी पूछ सकते हैं जो भी मैं बताऊंगा उसके रिगार्डिंग, या आपको कुछ पता है इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके रिगार्डिंग, और फिर हम लोग वन बाय वन, जैसे मैंने आपको बताया था, एक एक करके हमारा एक एक पार्ट का लेक्चर हम लोग कवर करते हुए निकलेंगे। ये लेक्चर हमारा जनरली आपको सिलेबस में बताया गया है कि 5 डे का लेक्चर होगा, पर लेक्चर 5 डे में खत्म नहीं होता है, लेक्चर को 6 डे जाता है, तो आप लोग 6 डे के लिए प्रिपेयर रहिए। ये लेक्चर हमारा 5 दिन का नहीं रहेगा, ये लेक्चर हमारा 6 डेज का रहेगा, जनरली डेली 3 आवर्स के लेक्चर रहेंगे। हर एक डे पे पहला जो 30 मिनट्स रहेगा वो आपकी क्वेरी का सेक्शन रहेगा, मतलब हमने आज के लेक्चर में जो भी पढ़ाया वो आप सेकेंड डे में, आपको यदि कुछ समझने में दिक्कत आ रहा है तो अब हमें स्क्रीन शेयर करके आप हमसे पूछ सकते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हम वो आपको लाइव वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएंगे। चलिए एक एक करके हम आपको पहले डिटेल्स बता देता हूँ। सबसे पहला जेम क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग लेक्चर के बारे में बताएंगे। यदि हम लोग बात करेंगे जेम, तो जेम को हम लोग जनरली यहाँ पे लिखा हुआ है, जेम जेम को गवर्नमेंट फुल फॉर्म इसको बोलते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट, मतलब इससे अपने को साफ पता चल रहा है कि ये गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, और जो ई मार्केट है, मार्केट तो है पर ई मतलब ऑनलाइन, ई कॉमर्स वेबसाइट जैसा, ये हमारा वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट जैसा है, पर ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। तो यहाँ पे अपने को एक चीज क्लियर हो गया कि यहाँ पे 2 पार्ट होंगे, एक होगा बायर और एक होगा सेलर। बायर मतलब जो भी यहाँ से कुछ खरीदना चाहता है वो होंगे बायर, सेलर जो यहाँ पे हम लोग कोई बेचना चाहते हैं उसको हम लोग बोलेंगे सेलर। तो बायर जो होंगे, तो बायर यहाँ पे जो भी होंगे वो सिर्फ डिपार्टमेंट होंगे, हम या आप बायर यहाँ पे नहीं होते। बायर कौन होंगे? सिर्फ गवर्नमेंट बॉडी, जो गवर्नमेंट के लोग होंगे वही बायर होगा, क्योंकि यहाँ पे इससे नाम से ही पता चल रहा है गवर्नमेंट ही मार्केट, सबके लिए ओपन नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ओपन है। तो बायर सिर्फ गवर्नमेंट होंगे, सेलर दोनों हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है और हम आप भी हो सकते हैं, कोई भी यहाँ पे सेलर हो सकता है। सेलर के लिए यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब आप अपना कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेस आप यहाँ पे बेच सकते हो, प्रोडक्ट में कोई भी चीज बेच सकते हो, चाहे वो मोबाइल फोन हो, बेडशीट हो, मोबाइल कवर हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, चार्जर हो, है ना, LED लाइट हो, कोई भी चीज, मास्क हो, कोई भी आपको चीज यहाँ बेचना है तो आप यहाँ पे सभी चीजें बेच सकते हो, लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट एंड अदर थिंग्स। सिम यहाँ पे उसके प्लेटफॉर्म छोड़ के कुछ अलग नहीं है, पर जेम के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे कोई भी चीज नहीं लगता, सिर्फ देखो GST मैंडेटरी है, आपके पास GST होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी, इतने ही चीजें रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी है। इसको रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आपको चार्ज जेम को देना नहीं पड़ता। तो ये जेम के कुछ रूल्स है, हम आपको एक एक करके सभी आगे के सिलेबस में कवर करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि बात कर रहे थे जेम में, तो जेम एक फ्लिपकार्ट अमेजन का एक रूप है, ऐसा भी हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे कि अमेजन पे
अमेजन पे भले आप लोग एक सेलर हो, ये सॉरी अमेजन पे आप एक बायर हो, मैक्सिमम लोग यहाँ पे बायर है, तो यहाँ से जैसे हम लोग कोई चीज बाय करते हैं तो किसी ने यहाँ पे डाला है, कोई भी सेलर ने यहाँ पे इनपुट डाला है, इसलिए हम उस चीज को परचेज करते हैं। सेम आप यहाँ पे कोई चीज डालेंगे तो गवर्नमेंट बॉडी उस चीज को परचेज करेगा। यहाँ पे हम लोग जो परचेज करते हैं इसको बोलते हैं डायरेक्ट परचेज। मतलब मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आया, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और मुझे लग रहा है कि मुझे इस चीज का पसंद आया और रेट इसका प्रॉपर है, हम इस पे जाएंगे और हम इसको डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। सेम गवर्नमेंट ई मार्केट पे भी है, आपको कोई भी चीज चाहिए आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। जैसे कि आप यहीं पर है बॉडी एंड फेस मॉइस्चराइजर, तो शायद ये जेम पे आपको मिल जाए। यहाँ पे मार्केट में जाओ और इसको सर्च कर दो, मैक्सिमम चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ कुछ चीजें थोड़े बहुत चीजें इधर उधर हो सकती है, पर मैक्सिमम चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी यहाँ पे वो बता दे रहा है इसके रिलेवेंट कुछ चीजें हैं क्या। मेडिकल ट्रेनिंग किट है, बाथरूम वाटर शॉवर है। अभी मान लीजिए मुझे बाथरूम का वाटर शॉवर है, मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है, तो हम यहाँ बेच सकते हैं, बायर यहाँ से खरीद सकता है। आप भी यहाँ मार्केट में चेक जरूर कर सकते हो ये मार्केट में क्या रेट चल रहा है, कैसे कैसे प्रोडक्ट अवेलेबल है, सब कुछ आप चेक कर सकते हो, पर खरीद नहीं सकते, सिर्फ बेच सकते। तो सेम अमेजन का एक दूसरा, अमेजन फ्लिपकार्ट जो भी आपने जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उसका दूसरा रूप है। सेम यहाँ पे और एक चीज अवेलेबल है, वो है सर्विसेस। हमने अभी प्रोडक्ट के बारे में बात किया, अभी हम लोग सर्विसेज करते हैं। सर्विसेज भी अवेलेबल है, आप कोई भी चीज सर्विसेज दे सकते हो। सर्विसेज में जैसे कि मैन पावर सप्लाई, आपको लेबर सप्लाई करना है तो लेबर सप्लाई कर सकते हो, कोई भी मैन पावर, सिर्फ लेबर नहीं, कोई भी मैन पावर सप्लाई कर सकते हो। इंजीनियर सप्लाई करना है तो कर सकते हो, नर्स सप्लाई करना है तो कर सकते हो, स्वीपर सप्लाई करना है तो कर सकते हो, कुक सप्लाई करना है तो कर सकते हो, कैटरिंग का सर्विस दे सकते हो, जैसे कि IRCTC वगैरह में दिया जाता है, आपके पास कैटरर है, आप कैटरिंग यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट को कैटरिंग लगती है तो कैटरिंग दे सकते हो, AMC वगैरह ले सकते हो, कंप्यूटर लैपटॉप डेस्कटॉप प्रिंटर या गवर्नमेंट के कोई भी चीज, CCTV वगैरह जो भी है उनके, AMC वाटर प्यूरिफाई, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट के पास इंस्ट्रूमेंट है जिसके AMC प्रोवाइड करती है, AC वॉशिंग मशीन, सभी के AMC ले सकते हैं, इसके सर्विसेज के काम ले सकते हो। अपने गाड़ी है, व्हीकल्स है, उसको रेंट पे दे सकते हो गवर्नमेंट बॉडी को, तो ये सब चीजें सर्विसेज में। तो यहाँ पे दोनों अवेलेबल है, वर्क अवेलेबल नहीं, वर्क मतलब कोई काम करके देना, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क, आंगनवाड़ी का बिल्डिंग बांध के देना, स्कूल बिल्डिंग बांध के देना, ये सब वर्क बोलते हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं। साथ में यहाँ पे ऑक्शन है, ऑक्शन मतलब रिवर्स ऑक्शन, ऑक्शन में दो पार्ट है, ऑक्शन रिवर्स ऑक्शन एंड फॉरवर्ड ऑक्शन, तो यहाँ पे दोनों अवेलेबल है, फॉरवर्ड ऑक्शन भी है और रिवर्स ऑक्शन है, जहाँ पे ऑनलाइन बोली चलता है। जनरली हम लोग बोली शायद आप लोगों ने मूवीज में जरूर देखा होगा, यदि किसी ने ऑनलाइन नहीं भी देखा है तो मूवीज, पुराने मूवीज में बोली देखा ही होगा आप मूवीज में, जैसे कि कोई घर का नीलामी होता है तो हमारे, हम लोगों ने मूवी में देखा था बोली होता है, 1 करोड़, 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, सेम यहाँ पर भी बोली चलता है। तो वो बोली क्या था, बोली बढ़ रहा था, 1 करोड़ से 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, मतलब बोली यहाँ पे बढ़ रहा था, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड ऑप्शन, ये हो गया फॉरवर्ड ऑप्शन, यहाँ पे बोली बढ़ता है। तो गवर्नमेंट की कोई भी चीज आप यहाँ पे बोली लगा सकते हो, यहाँ पे आप खरीदोगे गवर्नमेंट से, फॉरवर्ड ऑप्शन क्या खरीद सकते हो गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के पास लीज में बहुत सारे शॉप्स होते हैं, आप उनको एज ए लीज पे ले सकते हो, जिसको रेंटेड बोलो या लीज बोलो, जनरली अच्छी वर्ड लीज है। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, जैसे कि एग्जाम्पल रिवर होता है, उसका सैंड होता है, वो सैंड आपको रिवर्स जो है, रिवर का सैंड को निकालने के लिए आपको वो बोली लगा के ऑक्शन में लेना है। या गवर्नमेंट के पास बहुत सारे पॉन्ड होते हैं, तालाब, वहां पे मच्छी का आपको खेती करना है तो उसके लिए आप वहां पे उस गवर्नमेंट से लीज पे ले सकते हो। बहुत सारे एक्सपोर्ट के मटेरियल पकड़ा जाता है मुंबई में, या फिर जो भी अपने पोर्ट है या एयरपोर्ट अथॉरिटी पकड़ती है उसका भी वो नीलाम करती है। RTO बहुत सारी गाड़ी पकड़ के रख लेती है, जब गाड़ी ज्यादा हो जाता है तो उसका भी नीलामी करके किया जाता है। तो ऐसे चीजें फॉरवर्ड ऑक्शन में जाता है। सेकेंड रूप रिवर्स ऑक्शन है, आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट गवर्नमेंट को बेचने वाले हो, जैसे कि मैंने बोला मुझे कोई भी चीज बेचना है, मान लीजिए मुझे
एज एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, आयुष भी अभी यही एक कोई प्रोडक्ट है, बुक है, ये रेसिपी का कोई बुक है ये नहीं लेता हूँ, कुछ स्मॉल अप्लायंस में ले लेता हूँ जो अपने को फेमिलर हो कोई चीजें। मान लीजिए मुझे माइक्रोवेव बेचना है, पर माइक्रोवेव बायर को कैसे चाहिए, जिसको खरीदना है उसको ऑनलाइन बोली चाहिए, मैं बोल रहा हूँ मैं इसको 5,000 में बेच रहा हूँ, आप यहाँ पे बोल सकते हो नहीं मैं इसको 4,998 में ही दे दूंगा, मैं गवर्नमेंट को बेच रहा हूँ पर मैं बोली लगा रहा हूँ बेचने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुझे बोली जो जितना कम में गवर्नमेंट को देगा उसको मिलेगा वो प्राइस, यहाँ पे ऑनलाइन बोली भी लगता है उसको बोली बोलते हैं। या फिर यहाँ पे और एक है जिसको बोलते हैं बीड, बीड मतलब टेंडर, टेंडर बहुत सारे लोग जानते हैं, जनरली हम लोग ई प्रोक्योरमेंट से बहुत सारे लोग फेमिलियर हैं, ये टेंडर है, यहाँ पे किसी चीज का टेंडर निकलता है, कोई भी चीज का कंस्ट्रक्शन वर्क या सर्विसेज या प्रोडक्ट का टेंडर निकलता है, सेम ऐसे ही टेंडर यहाँ पर भी निकलेगा, यहाँ पे एक बार ही रेट कोट करना है और उस रेट में जिसको टेंडर मिल जाएगा, जो सबसे कम रेट में कोट करेगा उसको वो टेंडर मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी बीड का ऑप्शन, तो यहाँ पे सबका एक मिला रूप है, किसका किसका हम लोग यदि बात करेंगे ऑनलाइन पोर्टल में तो अमेजन फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट, ई प्रोक्योरमेंट, साथ में ई ऑक्शन, ई ऑक्शन का एक रूप, ई ऑक्शन के वेबसाइट हम इसका भी रूप बोल सकते हैं, इसका भी एक मिला हुआ रूप है, और बहुत सारे लोग सर्विस प्रोवाइडर कर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ऐसे बहुत सारी कंपनी है जो लोग सर्विस प्रोवाइड करती है डायरेक्ट, तो उनका भी एक मिला हुआ रूप, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट का एक बंच है, ऐसा हम लोग जेम को मान सकते हैं। इन शॉर्ट कोई भी यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेस आप यहाँ पे गवर्नमेंट बॉडी को दे सकते हो, कोई भी चीज, इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी चीजें की जरूरत पड़ेगी, एक नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आप यहाँ पे मार्केट में उतर सकते हो और यहाँ पे बेच सकते हो, ये एक जेम का पूरा स्ट्रक्चर। अभी जेम पे बाकी की चीजें जैसे बीड है, फॉरवर्ड ऑप्शन या रिवर्स ऑप्शन है, डायरेक्ट परचेज है, प्रोडक्ट है, आप जो अपलोड करोगे प्रोडक्ट उसको कैसे अपलोड करोगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, ये सब फिर हम लोग एक एक करके सिलेबस में कवर करें, तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे जेम के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे फिर धीरे धीरे हम एक एक करके बहुत स्टेप बाय स्टेप आगे जाते रहे, ये हमारा पूरा जेम का इंट्रोडक्शन। हम आपको यहाँ पे जेम के इंट्रोडक्शन के बाद हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड क्या करें क्लास के बाद, तो मैं यहाँ पे आपको हमारा भगत टेक्नो का ऐप है प्ले स्टोर पे, आपको लिंक वगैरह हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, आप वो लिंक या भगत टेक्नो प्ले स्टोर में डायरेक्ट डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आईफोन के लिए भी अवेलेबल है पर नाम सिर्फ दूसरा है क्लास प्लस, उसका एक कोड है जो आपको शेयर कर दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे आपको सबके वीडियो का एक्सेस मिल जाएगा, जो भी मैं लेक्चर लूंगा वो पूरे लेक्चर के वीडियो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको इससे पुराना जो लेक्चर था उसके वीडियो भी आपको, मतलब दो लेक्चर्स के आपको वीडियो देखने को, नोट्स जो भी इसके लिए नोट्स लगते हैं जैसे कि हम जो भी बताएंगे उसके स्टेप बाय स्टेप पीडीएफ फाइल में आपको नोट्स मिलेगा, जिसको हैंडबुक बोलते हैं, बायर का अलग सेलर का अलग, ये दोनों चीजें मिलेंगी आपको, बाकी टेंडर भरने के लिए जो भी चीजें लगती है उसके सबके फॉर्मेट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, या कैटलॉग बनाने का फॉर्मेट, उसका तरीका, वो सभी चीजें हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करें, ये सभी चीजें हमारे तरफ से मिले। हमारे भगत टेक्नो का एक व्हाट्सएप ग्रुप है अलग से, जो लोग क्लास करते हैं उनके लिए ग्रुप होता है, तो वहां पे आपको ऐड कर दिया जाएगा ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में अपना जो भी डिटेल्स है वो शेयर करेंगे तो आपको वहां पे आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल पाए। इसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो एक नॉमिनल फीस है, उसके साथ आप हमारे साथ रिपीट बैच भी कर सकते हो, कभी भी आपको रिपीट बैच करना है ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों प्रोसीजर में आपके साथ अवेलेबल, ये सब चीजें हम आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मेरा नंबर, मेरा खुद का नंबर, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको कुछ लगे तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या फिर मुझे पर्सनल व्हाट्सएप में मैसेज भी डाल सकते हैं, तो ये सब चीजें हमारे तरफ से आपको मिलेंगी। कुछ पूछना है इसमें से, कोई डाउट्स है तो
तो बताइए, नहीं तो फिर मार्च के आगे हम लोग आपको सिलेबस पर प्रोवाइड करूंगा। ये रिवर्स ऑप्शन का कहाँ पे ऑप्शन है? सर आगे लॉगिन होने के बाद आपको रिवर्स ऑप्शन मिलेगा, मैं आके आपको बताऊंगा सभी। सो बेसिकली ये डे वाइज सीक्वेंस क्या रहेगा, मतलब आप बता सकते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं, कल क्या सीखने वाले हैं वैसे? हाँ मैं बता दूंगा, ये अभी वही बोल रहा हूँ, जैसे जैसे हमारा ये सिलेबस चालू होगा ना, ऐसे ऐसे मैं आपको इसमें सभी चीजें बता दूंगा। जैसे भी आपने बताया कि मतलब प्रोडक्ट है, सर्विस है, बट इसमें जैसे बायर सेलर वो कहाँ है जाके चेक करना है वो हाँ, समझ में नहीं नहीं आया। मैं आपको सिलेबस अभी तक क्लियर नहीं किया हूँ, जैसे मैं सिलेबस यहाँ क्लियर करूंगा वैसे मैं आपको बता देता हूँ। सर एक मिनट दीजिए, कर मैं ठीक है, तो मैं आप लोगों को अभी सिलेबस बता देता हूँ, और हाँ कांटेक्ट नंबर वगैरह मैं आपको सर आगे शेयर कर दूंगा सभी चीज़ें, और डे वाइज भी मैं सिलेबस बता देता हूँ, एक एक दिन का सिलेबस कैसा रहेगा। सिलेबस सिर्फ थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, एक दिन का कुछ कोर्स इधर या उधर हो सकता है, डिपेंड आपकी क्वेरी कैसे रहेंगे, क्योंकि आपकी क्वेरी को छोड़ के मैं आगे नहीं जाता, तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, पर मैं आपको डे वाइज क्वेरी सिलेबस आपको कवर कर देता हूँ, इसमें क्या क्या रहेगा। ठीक है, चलिए तो फिर मैं आपको इसमें एक एक करके सिलेबस बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे दो पार्ट है, एक सेलर एंड एक बायर। तब हम लोग पहले सेलर का पार्ट कवर करते हैं, ये मैं एक्सेल में आपको समझाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। जनरली आप लोग को कैटलॉग में सिलेबस वगैरह मिल ही जाता है, जब हम लोग व्हाट्सएप के शेयर करते हैं तो आपको एक सिलेबस मिल जाता है, फिर मैं यहाँ पे डिटेल्स में मैं आपको सिलेबस बताता हूँ। डे वन एज एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं, पहला डे पे सिलेबस में फर्स्ट डे के कंटेंट में हमारा रहेगा जेम सेलर का है, हम यहाँ पे अभी सेलर पे हैं, मैं यहाँ पे लिख के भी देता हूँ सेलर है, जब बायर होगा तो मैं बायर कहूँगा, सेलर मतलब हम लोग सेलर है, जो भी हम लोग कोई चीज बेच रहे हैं सेलर, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का होगा वो बायर होगा, तो उनका भी हम लोग पार्ट कवर करते हैं। क्यों कवर करते हैं उसके पीछे का लॉजिक भी है हमारे, जो आगे जो लोग जेम में काम करते हैं उनको पता है, पर जो लोग बिल्कुल नए हैं बायर क्यों सीखना है और क्यों इम्पोर्टेंट है बायर, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जब सेलर आप सीख जाओगे तो उसका इम्पोर्टेंट आपको मैं पता बता दूंगा। जेम रजिस्ट्रेशन, जेम में आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है, जेम में रजिस्ट्रेशन के दो पार्ट है, एक पेन बेस्ड और एक आधार बेस्ड, पेन और आधार आप दोनों से कर सकते हो ना, तो दोनों के रूप का आपका थोड़ा सा हम आपको डिटेल्स बता दूंगा। ये आपका पेन बेस्ड एंड आधार बेस्ड दोनों पार्ट हम यहाँ पे कवर कर देंगे आपको, जेम का रजिस्ट्रेशन, उसके बाद प्रोफाइल अपडेट, प्रोफाइल आपका अपडेट करना पड़ता है, विदाउट प्रोफाइल अपडेट करके आप नहीं जा सकते, प्रोफाइल अपडेट में पेन कॉमा जीएसटी बैंक, बैंक डिटेल्स आपको अपना अपडेट करना है, जीएसटी अपडेट करना है, बैंक डिटेल्स अपडेट करना है, एमएसएमई या उद्यम बोलते हैं अभी उसको, उद्यम स्टार्टअप है तो स्टार्टअप इंडिया, नहीं है तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप स्टार्टअप इंडिया में नहीं हो, स्टार्टअप इंडिया। उसके बाद आपका आ जाएगा ITR, मैंडेटरी नहीं है पर है तो आप अपडेट करेंगे, और किन के लिए मैंडेटरी है वो भी बता दो। ITR, ई इनवॉइस,
जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है उनको इनवॉइस लगेगा, जिनका टर्नओवर 20 सीआर से ज्यादा है, डीओ ऑर्डर, ऐसे चीजें आपको यहाँ पे प्रोफाइल में अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट कैसे करेंगे वो बताऊंगा। फिर आएगा सेकेंडरी यूजर, आप सेकेंडरी यूजर आपको क्रिएट करना है तो आप सेकेंडरी यूजर कैसे क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आगे के टॉपिक्स के ऊपर, यदि हम लोग बात करते हैं तो कॉज एंड मनी का एक पार्ट है कॉजर, वो कॉज एंड मनी कैसे अपडेट करेंगे उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, कॉज एंड मनी हो गया। कॉज एंड मनी जनरली, कॉज एंड मनी में तीन पार्ट है, डिपॉजिट एक अमाउंट करना पड़ता है 5,000, 10,000 और 25,000। किनको 5,000 लगेगा, जो छोटे हैं उनको 5,000 लगेगा, ये डिपेंड अपॉन टर्नओवर है। तो मैं आपको बता दूंगा किनको 5,000 लगेगा, किनको 10,000 देना है, किसको 25,000 देना है, और ये पैसा कैसे डिपॉजिट करना है। ये डिपॉजिट अमाउंट है जो रिफंडेबल है, ये रिफंडेबल अमाउंट है, आप डिपॉजिट करेंगे जिस दिन जेम क्लोज करेंगे आपको ये पैसा रिफंड हो जाएगा। तो कॉजन मनी के बारे में बताऊंगा और कैटलॉग पेयर करना बताऊंगा, ये आज के लेक्चर का पार्ट रहेगा, ये लेक्चर डे वन में कवर हो। यदि हम लोग बात करते हैं अभी डे टू में न्यू एंड क्लोन करेंगे प्रोडक्ट का है, ये कैटलॉग पेयरिंग प्रोडक्ट का है, न्यू एंड क्लोन प्रोडक्ट, ये रहेगा पहला सेकेंड डे का फर्स्ट डे का लेक्चर। उसके बाद हम लोग आएंगे सेकेंड डे पे सर्विसेज का कैटलॉग हम लोग देखेंगे, सर्विसेज का कैसे कैटलॉग अपडेट करते हैं और उसके लिए क्या क्या लगता है। उसके बाद आएंगे रीसेलर पैनल कॉर्डेंट वन, ठीक है, रीसेलर पैनल कॉर्डेंट के प्रोडक्ट, कॉर्डेंट वन, कॉर्डेंट टू, कॉर्डेंट थ्री, कॉर्डेंट फोर एंड कॉर्डेंट फाइव, Q5। इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं और उसका क्या क्या लिमिटेशन है वो भी देखेंगे। रीसेलर पैनल के साथ ही ये लिंक रहेगा, साथ में देखेंगे वेंडर असेसमेंट। यदि आप OEM हो तो आपको वेंडर असेसमेंट की जरूरत पड़ेगी, वेंडर असेसमेंट या फिर उसको हम लोग OEM पैनल भी बोलेंगे, OEM पैनल, ये सिर्फ OEM के लिए लगेगा। रीसेलर भी कर सकते हैं पर उनको मैंडेटरी करना है तो कर सकते हैं पर उसको मैंडेटरी नहीं, इसका क्या प्रोसीजर है वो देखेंगे। फिर आएंगे हम लोग ब्रांड रजिस्ट्रेशन, कोई ब्रांड यदि मार्केट में नहीं है तो ब्रांड को मार्केट में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, एज ए OEM के तौर पर भी और रीसेलर भी, ये दोनों पार्ट हम लोग यहाँ पे डे टू के लेक्चर में देखेंगे। ये हमारा डे टू का लेक्चर रहेगा। डे थ्री में हम लोग बीड पढ़ेंगे, है ना, बीड स्टडी करेंगे, कोई भी टेंडर बीड स्टडी, सॉरी पहले बीड को सर्च करना देखेंगे, बीड को प्रॉपर वे से कैसे सर्च करते हैं, बीड को स्टडी कैसे करते हैं, टेंडर कैसे पढ़ते हैं, टेंडर पढ़ने के लिए अपने को इसमें सभी चीजें होता है, बीड स्टडी मस्ट है। यदि बीड आपने पढ़ना सीख लिया तो आपको टेंडर भरना बहुत ईजी जाएगा, पर आपने बीड स्टडी में तकलीफ दिया तो आपको साइड टेंडर पढ़ने के लिए आपको तकलीफ जाएगा। तो टेंडर को कैसे प्रॉपर वे से स्टडी करते हैं वो देखेंगे। फिर बीड को हम लोग फिलिंग का प्रोसेस करेंगे, बीड फिलिंग प्रोसेस, इसमें अलग अलग होते हैं। बीड फिलिंग प्रोसेस में देखेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट का बीड, सबके प्रोसेस अलग अलग है, यहाँ पे ई प्रोक्यूरमेंट जैसा नहीं, प्रोडक्ट का टेंडर भरने का अलग है, सर्विसेज का टेंडर भरने का प्रोसेस अलग है, बंच बीड का प्रोसेस अलग है, बंच बीड मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट, बंच बीड प्रोडक्ट। उसके बाद आएंगे बंच बीड सर्विसेज,
पंचवीड सर्विसेस, पंचवीड प्रोडक्ट, उसके बाद कस्टम बीड, इसको भी प्रोसेस अलग है, सब जितने भी प्रोसेस बता रहा हूँ सबके प्रोसेस अलग है, और बीओपी बीड, ये सभी बीड्स हम लोग देखेंगे भरना, पढ़ने तो पहले पढ़ेंगे और फिर डॉक्यूमेंट्स देखेंगे क्या क्या है, और फिर एलिजिबल देखेंगे, और फिर ये सब टाइप के टेंडर हम लोग भरना, साथ में आरए देखेंगे, रिवर्स ऑक्शन के बारे में देखेंगे, रिवर्स ऑक्शन में कैसे बोली लगाती है, ये लाइव तो पॉसिबल नहीं है पर हम आपको बताएंगे रिवर्स ऑक्शन में होता क्या है, आरए बीड रिवर्स ऑक्शन, ये हमारा डे थ्री में रहेगा, शायद ये डे थ्री में कवर नहीं होगा, ये कुछ का कुछ पार्ट हमारा डे फोर में भी आएगा, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर होता है तो ये डे थ्री में पूरा कवर नहीं होगा, ये डे फोर में भी आएगा। डे फोर में डॉक्यूमेंट्स का पार्ट, जैसे कि मेक इन इंडिया, एमएसएमई, ये सब क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, ये सभी चीजें ये डे थ्री एंड डे फोर का ही पकड़ लो, ये सब डे थ्री एंड डे फोर ये लिंक है डे थ्री एंड डे फोर में। उसके बाद सर्टिफिकेट, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट, मतलब टेंडर को भरने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आईटीआर, टर्नओवर सर्टिफिकेट बोलो, है ना, उसके बाद ईएमडी, ईपीबीजी, ये क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं और इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, और थोड़े कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह और एक्सपीरियंस, ये सभी चीजें हम लोग यहाँ पे देखें, ये सब क्या होता है, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे कैसे लगता है, ये सभी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ें, ये हमारा डे थ्री एंड डे फोर में कवर होगा। ये हमारा डे थ्री डे फोर का रहेगा, बाद में हम लोग आएंगे बायर के पार्ट, डे फाइव में बायर में आएंगे, यहाँ पे बायर में देखेंगे पहले डायरेक्ट परचेज, डायरेक्ट परचेज कैसे करते हैं, डायरेक्ट परचेज की लिमिट है 25,000 तक कोई भी प्रोडक्ट हम लोग परचेज कर सकते हैं, डायरेक्ट परचेज देखेंगे, और ये बायर का पार्ट हो गया। फिर सेलर के पार्ट में देखेंगे, ये सेलर के पार्ट में जब हम लोग कोई ऑर्डर किसी को दे देंगे, हम अपना ही ऑर्डर खुद ही लेंगे और खुद ऑर्डर लेके फिर हम लोग इसका इनवॉइस जनरेट करना पड़ता है सेलर को, तो इनवॉइस का जनरेशन प्रोसेस, इनवॉइस जनरेट, इनवॉइस जनरेट करने का प्रोसेस, ये सेलर के पार्ट में इनवॉइस कैसे जनरेट करेंगे। फिर हम लोग बायर में अभी पूरा घुस जाएंगे, बायर में L1 प्रोसेस, L1 कैसे करते हैं, और फिर बीड बनाते कैसे हैं, ये भी बायर में बीड प्रोसेस, बीड को क्रिएट कैसे करते हैं, अब बीड में भी सभी टाइप का, फिर से बीड, ये हर टाइप का बीड्स को क्रिएट करने का प्रोसीजर अलग अलग है, ये बीड्स में रहेगा, और फिर बायर में रहेगा बायर का रजिस्ट्रेशन, बायर का रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में दोनों प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये पूरा हमारा सिलेबस का पार्ट रहेगा। L1 प्रोसेस जिसकी लिमिट है 5 लाख, और बीड का कोई लिमिट नहीं है, ये डे 5 एंड डे 6 ये हमारा पार्ट रहे, ये हमारा पूरा सिलेबस है। बोलिए किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते। ये अभी डे 1 में जो भी हमने मेंशन किया है कि जेम रजिस्ट्रेशन होगा, सो जो भी मेरे भी ऑर्गेनाइजेशन है फॉर एग्जांपल, तो इसका लाइव अभी रजिस्ट्रेशन होगा कि कैसा रहेगा? हाँ मतलब सर देखो, सर हमारे यहाँ पे देखो, जब भी हम कोई रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे तो हमारे पास यूनिक पैन कार्ड होना चाहिए, यूनिक आधार कार्ड होना चाहिए नया, तो हमारे पास ये तो होता नहीं है, पर जहां तक हम जा सकते हैं वहां तक आपको जाके हम दिखाएंगे, एक इतना आपको अप्रोक्सीमेटली बता देंगे कि आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। फिर भी आपको लग रहा है कि रजिस्ट्रेशन में कोई डाउट है, तो आज की क्लास खत्म होने के बाद आप मुझसे डायरेक्ट यहीं पर आप डायरेक्टली हमसे लाइव हो सकते हो, आप स्क्रीन अपना शेयर कर सकते हो, मुश्किल से 5 मिनट का काम है, वो आपको बता दिया जाएगा, या फिर आप ट्राई करने के बाद मुझे बताइए रजिस्ट्रेशन कैसे, बिकॉज़ आज वो कंप्लीट ही करते लाइव, वो बेटर रहेगा। तो ये जो है कॉशन मनी जो है 5000 10000 25000, सो मतलब हमें वो आज एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन उसका पेमेंट करना है कि कैसा रहेगा? हाँ, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपना प्रोफाइल अपडेट करेंगे और फिर आपको वो पैसा आपको पेमेंट करना पड़ेगा।
ओके सो वो अभी सिर्फ मतलब उसके लिए मुझे ऑनलाइन ऑप्शन रहेगा उसमें राइट हाँ ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए क्योंकि हाँ नेट बैंकिंग से वो करना पड़ेगा। ओके बिकॉज मेरा ओटीपी वाला जो फोन जो है मेरे पास अभी है नहीं जिससे वो ओटीपी आता है तो नेट बैंकिंग से कोई ओटीपी आता है ना तो वो फोन पे नेट बैंकिंग का ही वो घर पे है मेरे अभी मेरे पास है नहीं तो पेमेंट अभी नहीं हुआ उसका। हाँ ठीक है फिर आपको जब लगे उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा राइट? हाँ रजिस्ट्रेशन। ओके ठीक है इसमें भी फॉर एग्जांपल डे वन में हमने कुछ सीखा है उसमें कुछ अगर क्वेरीज है बिकॉज अभी हम लोग सीखेंगे। डे टू का मैंने आप लोगों को सबको बताया कि डे टू में हमारा पहला 6:30 to 7 क्वेरी का लेक्चर होता है उसमें आपको जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं। ठीक है साउंड्स गुड। आनंद सर बोलिए। सर मैं ये जानना चाहता था कि जैसे स्टार्टअप इंडिया जो है ये हाँ। मैंने अप्लाई किया हुआ है जो अभी तक इन प्रोसेस है तो इन फ्यूचर अगर मैं आज अगर मैं रजिस्ट्रेशन समझिए मैं कल प्रोसेस शुरू करता हूँ मेरा कल के दिन में करता हूँ तो जो अगर स्टार्टअप का मुझे सर्टिफिकेशन अगर कोई भी सर्टिफिकेशन जो बाद में आता है तो वो अपडेट हो जाएगा प्रोफाइल में? अपडेट हो जाएगा डेफिनेटली सर। यस जो भी हमको हाँ अपडेट है जैसे बैंक भी चेंज हो सकती है इन फ्यूचर तो वो सब अपडेशन होता है ना प्रोफाइल में? हाँ सभी सर कुछ चीजें बदल नहीं सकते जो मैं आपको आगे बता दूंगा बाकी जो चीजें बदल सकती है और कौन चीजें आप नहीं बदल सकते वो सभी चीजें हम वहाँ पे आपको कवर कर देंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम। ओके सर थैंक यू। बोलिए और किसी को सर कुछ पूछना है? ठीक है तो हम लोग एक एक करके पार्ट फिर चालू करते हैं।